हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक MRTP एक्ट, दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 7, कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2, बिजनेस एनवायरमेंट, MCO 4, MCOM सेकेंड ईयर, IGNOU। बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोज दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर योर कमेंट्स टू लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज। Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है MRTP Act 1969। Now, 1964 में महानोबिस कमिटी, ये जो कमिटी था, दिस कमिटी ने इन 1964 इन्होंने जो है एक कमीशन लगाया, एंड द मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन इन 1965 रिवील्ड द टेंडेंसीज ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू द मोनोपोलिस्टिक पावर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय लार्ज बिजनेस हाउसेस। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने रिवील किया कि भाई इन्होंने काफी सारी इंक्वायरी की थी, और इन लोगों ने रिवील किया इन 1965 की बहुत सारे जो लार्ज बिजनेस हाउसेस थे वो क्या करते थे, वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, जिसके कारण जो छोटे छोटे हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो सारे हार्म होते थे, है ना। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, इन सब को खत्म करने के लिए, इन सारे टेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में MRTP एक्ट को फॉर्म किया, ठीक है। दे पास द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट इन 1969 एंड दे ऑल्सो सेट अप अ कमीशन, इन्होंने एक MRTP कमीशन का भी स्थापना किया इन 1970। सो MRTP कमीशन ये वो सेटअप इन 1970। सो अगर हम मेन एक्ट की बात करें, मेन एक्ट के जो प्रियम्बल है, मेन एक्ट के प्रियम्बल में ये बोला गया है कि द एक्ट इज टू प्रोवाइड दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सो यहाँ पे हम जो है ये नहीं चाहते कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर हो, जिससे कि जो कॉमन लोग हैं या फिर जो कॉमन जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो, उनके काम में किसी भी तरीके की बाधा है। इट शुड नॉट बी टू द डेट्रीमेंट, टू द कॉमन डेट्रीमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल इन देयर वर्क्स। सो यहाँ पे मेन, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही है कि हमें जो है इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हमें बंद करना है। सो इसी के लिए हमारा गवर्नमेंट जो है MRTP एक्ट को लेके आया 1969 में, एंड उसने एक MRTP का कमीशन भी बनाया इन द ईयर 1970। सो यहाँ पे अगर हम मेन देखें, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का क्या है, सो द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिटिंग द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, अगेन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट प्रोहिबिट करना रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। सो यहाँ पे वही जो इकोनॉमिक पावर है कुछ लोगों के हाथ में ही, कुछ लोग यानी कि जो बिग बिजनेस हाउसेस है उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, और जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस जो फॉलो हो रहा है, ये जो ट्रेंड जो है, इस ट्रेंड को हमें बंद करना है। सो इसलिए जो है हमारा गवर्नमेंट जो है MRTP एक्ट लेके आया था, और ये तीनों जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे MRTP एक्ट के। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, हमारा जो MRTP एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हर जगह तो एप्लीकेबल है ही, बट कौन कौन से ऐसे जगह हैं, कौन कौन से ऐसे अंडरटेकिंग्स हैं जहां पे ये MRTP एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो फर्स्ट वन इज ऑल द अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा ये जो MRTP एक्ट है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी अंडरटेकिंग्स है उसको कवर अप नहीं करता है। सेकंड, द ट्रेड यूनियंस एंड अदर एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयज फॉर्म्ड फॉर देयर ओन रीजनेबल प्रोटेक्शन सच एज वर्कमैन और एम्प्लॉयज, सो इनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड वन इज ऐसे अंडरटेकिंग दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज और द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी। सो कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स होते हैं, ऐसी चीजें होते हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सब जो है प्राइवेट के हाथ में नहीं है, ये सब जो है सीधा के सीधा गवर्नमेंट के हाथ में है। सो ऐसी चीजें जो डिफेंस से रिलेटेड हो, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो, जो कि ऐसी चीजें, ऐसे अंडरटेकिंग जो कि ओन्ड हो और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हो, सो ऐसो में भी जो है ये MRTP एक्ट जो है एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर द करेंसी एंड कॉइनेज डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो करेंसी एंड कॉइनेज डिवीजन होता है, इस पे
आरटीपी या एमआरटीपी एक्ट जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं है। सो हमने ये देख लिया हर चीज पे एप्लीकेबल है और किन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है। हर चीज पे तो है ही है, बट इन सब चीजों पे, इन सारे अंडरटेकिंग्स पे जो है हमारा एमआरटीपी एक्ट, हमारा मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 जो है इन पे एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मेन सब कुछ जो है हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम जो है प्रिवेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसका मेन काम ही है कि प्रिवेंट करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। नाउ दिस इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, जो प्रिवेंट करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये इसका की ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। इट कवर्स टू टाइप्स ऑफ मोनोपोलीज, नेशनल मोनोपोलीज एंड प्रोडक्ट मोनोपोलीज। तो अगर हम यहाँ पे मोनोपोलीज की बात करेंगे तो दो तरीके के मोनोपोलीज, एक तो नेशनल मोनोपोलीज इसमें कवर होता है एंड द सेकेंड वन इज योर प्रोडक्ट मोनोपोलीज। सो यहाँ पे दोनों तरीके के मोनोपोलीज जो है उसको प्रिवेंट करने का काम जो है, जो किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट करोगे, वो सारा जो है इस एक्ट में दिया गया है। अगर हम नेशनल मोनोपोलीज की बात करें, नेशनल मोनोपोलीज जो है सेक्शन 2G में जो है वो कवर्ड है, जिसके अंदर कौन कौन से, जिसमें क्या देखा गया है कि नेशनल मोनोपोलीज इधर जो है लार्ज जो ग्रुप्स होते हैं, लार्ज अंडरटेकिंग, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेस, जिनका एसेट्स जो है एटलीस्ट जो है 100 करोड़ का होता है, जिनका एटलीस्ट जो है एसेट्स 100 करोड़ का होता है, ऐसे लोग जो है नेशनल मोनोपोलीज प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि इनका जो है बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग अंडरटेकिंग्स होता है, बहुत बड़े अंडरटेकिंग्स होते हैं इनका, बड़ा का पूरा आपको पूरा टीम होता है, पूरा एक तरीके से गुंडा जैसा होता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होता है, बहुत ही ज्यादा एसेट्स होते हैं। सो इतने पैसों के साथ, इतने एसेट्स के साथ ऑब्वियसली ये जो है वो मार्केट को रूल ही करेंगे और इनका मार्केट में जो है मोनोपोली भी बन जाएगा। इनके सामने जो है छोटे लोग जो है बिल्कुल भी कहीं पे भी टिक नहीं पाएंगे। सो ये हो गया नेशनल मोनोपोलीज। अगर हम प्रोडक्ट मोनोपोलीज की बात करें, प्रोडक्ट मोनोपोलीज जो है सेक्शन 2D में जो है ये कवर्ड है। यहाँ पे ऐसे डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं जिनका कंट्रोल, इन विच इज एटलीस्ट कंट्रोल 1/4 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्केट शेयर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट का 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन अगर वो वाला फर्म जो है उसको करे, कंट्रोल करे, या फिर इट हैज़ एटलीस्ट 3 करोड़ ऑफ एसेट। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स जो है जिसको, जो कि प्रोडक्ट में जो है, प्रोडक्ट में मोनोपोली जिसका है, उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी इस एक्ट में। सो यहाँ पे हम जो है दोनों तरीके के मोनोपोलीज को प्रिवेंट करेंगे, नेशनल मोनोपोलीज को भी और किसको भी, प्रोडक्ट मोनोपोलीज को भी। यहाँ पे की चीज यही है, ठीक है, कि हमको जो है दो तरीके के मोनोपोलीज को हटाना है, दो तरीके के मोनोपोलीज को प्रिवेंट करना है, नेशनल मोनोपोली एज वेल एज योर प्रोडक्ट। सो हम इतनी देर से मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस बोल तो रहे हैं, बट इस सेक्शन के अंदर, इस एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है। और ये कहाँ डिफाइन हुआ है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2(1) ऑफ द मोनोपोलिस्टिक एमआरटीपी एक्ट 1969 में जो है इन्होंने बोला गया है कि ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस कहलाएंगे जिनमें कुछ ये तरीके के, ये जो अभी हम फॉलोइंग डिस्कस करेंगे, कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ऐसे जहाँ पे हाई प्राइस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलेगा ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर हाई प्रॉफिट, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट अगर आपको देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। देन प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जो है एक ही जगह, एक ही इंडस्ट्री, एक ही अंडरटेकिंग जो है डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाकी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन वो सब कहाँ चले गए, मतलब कि एक ही बंदा जो है कंट्रोल कर रहा है, या फिर एक ही अंडरटेकिंग जो है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही है। सो यहाँ पे भी जो है मोनोपोली जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। लिमिटेड टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है अगर किसी जगह, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिटीरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट कमाना ही उनका मेन उद्देश्य होगा और जो क्वालिटी ऑफ गुड्स होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। सो ये सारे क्या है, ये सारे एक तरीके के लक्षण है जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिम्टम्स देखते हैं ना, डॉक्टर सिम्टम्स देख के बता देता है कि हमको ये बीमारी है। सो वैसे ही ये अगर सिम्टम्स, ये ऐसे चीजें अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि उस एरिया में शायद जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा है। सो यहाँ पे ये जो है, ये लक्षण वगैरह कहाँ दे रखे हैं, हमारे सेक्शन 2(1) ऑफ द एमआरटीपी एक्ट 1969, एंड ऑल दीज, कमिटिंग ऑल दीज थिंग्स, दिस विल अमाउंट टू मैल प्रैक्टिस। ये सारा जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है, और ये सारा गलत चीज।
नेक्स्ट अब बात करें अगर कंट्रोल ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस की, कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक्ट बना रखा है और यहाँ पे जो है एक MRTP कमीशन की स्थापना हुई है। MRTP कमीशन का मेन काम रहता है कि कंट्रोल करना मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को, और वो उसके में क्या करता है, वो उसमें पहले तो इन्वेस्टिगेट करता है, देन उसको वो क्या करता है, वो एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। सो ये इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई कहीं पे भी जो है MRTP जैसा कि भाई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो कहीं हो तो नहीं रहा, ये चेक करना उनका काम है, और उनका काम भी है एडवाइस भी करना। एडवाइस किसको करेगा, ये ऑब्वियसली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करेगा। नाउ इट इज़ ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ वेस्टेड विद द पावर टू पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द कमीशन। सो ये जो कमीशन है ये अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, इसका काम है रिपोर्ट प्रेजेंट करना, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करेगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो पास करने का काम होगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। नाउ इफ द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन कंटेन्स अ फाइंडिंग दैट द ओनर ऑफ एनी अंडरटेकिंग और द ओनर्स ऑफ टू और मोर अंडरटेकिंग्स आर इंडल्जिंग इन एनी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस और दैट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस प्रिवेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू टेक स्टेप्स और रेमेडी टू प्रिवेंट एनी मिसचीफ विच रिजल्ट और मे रिजल्ट फ्रॉम सच मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस एंड दैट सच मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस डज नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द एक्सेप्शन मेड इन सेक्शन 332 इट मे नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एल्सवेयर इन दिस एक्ट और एनी लॉ फ्रॉम द टाइम बिंग मेक सच ऑर्डर एज डीम्ड फिट। सो कहने का मतलब ये है कि पूरा इंक्वायरी करने के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद MRTP कमीशन ने कुछ ऐसा फाइंडिंग करता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये रिपोर्ट से अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड है तो वो जो है ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई ये चीज़ गलत है और इसको रोकने के लिए, यानी कि इसको प्रोहिबिट करने के लिए वो कोई भी ऑर्डर जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पास कर सकता है अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ सच अंडरटेकिंग। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास प्रोविजन है, ये प्रोविजन दे रखा है कि वो जो है स्पेसिफिक जो है उसको पावर दे रखा है कि वो स्पेसिफिक एक्शन कर सकती है, जैसे कि एक्शन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करना हो, स्टोरेज का रेगुलेशन करना हो, सप्लाई का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, कंट्रोल ऑफ एनी गुड्स, इन सब का बारे में जो रेगुलेट करने का पावर जो है ये भी दे रखा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेकंड जो पावर दे रखा है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन, किसको प्रोहिबिट करना, जितने भी मैल प्रैक्टिसेस है उन सबको प्रोहिबिट करना, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जिससे कि कंपटीशन जो है कंपटीशन को बढ़ावा नहीं मिलता ऐसे एक्ट को प्रोहिबिट करना, स्टोरेज सप्लाई किसी से भी रिलेटेड हो ऐसे सारे चीज़ों को प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट इज फिक्सिंग द स्टैंडर्ड, फिक्सिंग स्टैंडर्ड फॉर द गुड्स यूज फॉर प्रोड्यूस्ड बाय द अंडरटेकिंग, कितना किस तरीके का क्वालिटी, ऐसा नहीं कि आप घटिया तरीके का स्टैंडर्ड बना रखा है आपने अपने गुड्स के लिए, ऐसा नहीं, वो सब चीज़ों को सही करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। डिक्लेयरिंग द मार्किंग और कैरिंग आउट ऑफ द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट एज लॉफुल, कुछ भी चीज़ लॉफुल होता है उसको बंद करवाना, अगर कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट रिक्वायरिंग एनी पार्टी टू द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट टू डिटरमाइन और मॉडिफाई द एग्रीमेंट इन द स्पेसिफाइड मैनर, ये कराने का काम भी, रेगुलेटिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट को रेगुलेट कराना, प्रोडक्शन को रेगुलेट कराना, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन सब को रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग द क्वालिटी, अगर क्वालिटी के एस्पेक्ट की हम बात करें जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसके क्वालिटी को भी जो है रेगुलेट करने का काम किसका है, इसमें जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर दे रखा है कि वो जो है इन चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट इसका बॉडी है, हाईएस्ट जो है बॉडी है जिसके अंडर जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ये जो कमीशन वगैरह बनाए गए हैं वो सब इन्हीं के अंडर आते हैं। अगर हम बात करें अपील की, अगर जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया और हम उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, सो उसके अगेंस्ट जो अपील है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर कोई भी अंडरटेकिंग जो है 60 डेज, विद इन द 60 डेज हम फाइल कर सकते हैं। द अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑन वन और मोर ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो सेक्शन 100, एक सेक्शन है सेक्शन 100, सेक्शन 100 के अंडर ही हम जो है, हमें कुछ लगता है कि भाई ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे अंडरटेकिंग के खिलाफ या फिर हमारे कंपनी के खिलाफ जो है डिसीजन जो है वो सही नहीं लिया है, ऐसा आपको अगर कभी भी लगता हो तो आप उसमें अपील कर सकते हो। अपील जो है 60 डेज के अंदर ही होना चाहिए, ये है आपका अपील का प्रोसीजर। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है कि जिससे कि जो है हमारे इंडिया
जो कंट्री है, कंट्री के अगर बेनिफिट में ही कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी जो है वो चीज़ें जो है एग्जेम्प्ट माना जाता है। अगर कोई एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस के लिए कुछ काम करा जाए वो भी, उसके मेंटेनेंस सप्लाई के लिए भी वो सब भी एग्जेम्प्टेड है। सो ये सारे जो कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा टू गिव अवे ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई रिटर्न परमिशन है, कोई रिटर्न ऑर्डर है, ये सारे जो है एग्जेम्पशन में आते हैं जिसके अंडर जो है हम लोग कर सकते हैं कुछ भी ऐसा काम। देखो अगर जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम होगा ना तो उसके लिए कोई मना नहीं करेगा ना। अगर हम जो है सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में ही करता है, हमारा गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ही सब कुछ करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ नहीं करता। सो अगर कोई भी चीज़ जो है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है सो गवर्नमेंट जो है उसको ऑब्वियसली वो जो है एग्जेम्पशन देगी भी। सो हमने यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस में देखा कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक कहलाती हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास हमने क्या क्या पावर दे रखा है इस एक्ट के अंदर कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, रेगुलेट करना हो, प्रोहिबिट करना हो, डिक्लेयर करना हो, फिक्स करना हो, क्वालिटी सेट करना हो, कुछ भी करना हो ये गवर्नमेंट हमारा कर सकती है। और गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन सही नहीं है तो हम इसके खिलाफ जो है अपील भी डाल सकते हैं कि भाई 60 डेज के अंदर वो अपील होना चाहिए। और इसमें कुछ एग्जेम्पशंस है भाई, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी चीज़ होगा तो उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जेम्पशंस टू MRTP एक्ट दैट इज बीइंग प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हमने ना मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो होता क्या है, वो कितने तरीके के होते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, और MRTP जो है और RTP इन दोनों में जो है मेन फ़र्क क्या है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।